अभी आ गया बेटा। शुक्र है परमात्मा का, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और दलजीत अपने रूम में बैठे प्रज्ञा का इंतजार कर रही है। अभी प्रज्ञा कहाँ है बेटा? तुझे पता नहीं इसे मजाक करने की आदत है, इसने प्रज्ञा को कहीं ना कहीं छुपाया होगा और यहाँ आके एक्टिंग कर रहा है। हाँ दीदी मैं जानती हूँ कि इसे शरारत की आदत है, तू मजाक किए बगैर हमको प्रज्ञा से मिलाएगा नहीं ना। लेकिन अभी बेटा आज मजाक मत कर, ये बूढ़ी आंखें ना प्रज्ञा को देखने के लिए तरस गई है, तू उसे हमसे मिला दे तो हमारी जान में जान आएगी। बुलाना उसे, कहाँ है वो? तासीम मैं प्रज्ञा को अपने साथ वापस नहीं ला पाया, वो मुझे नहीं मिली। तुझे मिलेगी भी कैसे, तूने दीदी से सारे झूठे वादे किए हैं, अभी तुझे शर्म आनी चाहिए। यहाँ हम सब लोग इतने परेशान हैं और तू वहाँ सड़कों पे गाने गा रहा है। हमें लगा था कि प्रज्ञा तुझे मिल गई है और तू इस खुशी में गा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तुझे तो अपने फैंस की खुशियाँ ज्यादा प्यारी थी, अपनी दादी की शाबाशी से ज्यादा तुझे अपने फैन की तालियों की गड़गड़ाहट पसंद थी। लगता है प्रज्ञा के गुम होने का तुझे कोई दुखी नहीं है। तुझे अगर वो शो ही करता था तो फिर हमसे झूठे वादे क्यों किए? क्यों हमें सबने दिखाया कि तू प्रज्ञा को लेकर आएगा? तुझे पता है हम लोग कितने परेशान हैं और वो तेरी दादी खाना पीना छोड़ के बैठी है। लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता, तू तो अपना शो कर रहा है ना, जा अपने कमरे में बैठ और टीवी के आगे अपना वीडियो देख। ये क्या किया आपने दादी? बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आपने अपने अभी पे हाथ उठाया। दादी आप जानती है सबसे ज्यादा टेंशन में इस वक्त वो है, उसने वो शो अपने फैंस के लिए नहीं किया था, उसने वो शो प्रज्ञा दी को ढूंढने के लिए किया था। दादी पुलिस ने कहा था कि किडनैपर्स प्रज्ञा दी को लेकर शहर से बाहर जा रहे, एक्स्ट्रा फोर्स को आने के लिए भी एक घंटा था, उसने बिना कुछ सोचे वहां सबके सामने कॉन्सर्ट किया ताकि वो रोड ब्लॉक हो जाए ताकि पुलिस प्रज्ञा दी को ढूंढ सके। दादी उसने बिना कुछ सोचे अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये सब किया, उसके इतने फैंस थे वहां, उसका कोई दुश्मन भी हो सकता था, उसको कुछ हो जाता तो उसे किसी की परवाह नहीं की, उसने अपने आप से ज्यादा प्रज्ञा दी के बारे में सोचा और आपने उसे। भगवान मैंने क्या किया, मेरा बच्चा ऐसे बहुत दुखी था और मैंने उसे और दुखी कर दिया। हाँ थैंक गॉड अभी घर वापस आ गया एंड उसे वो प्रज्ञा नहीं मिली। I just wish कि वो उसे मिलनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तुमने देखा भाई की क्या हालत हुई है तनु? उसकी वजह से भाई को थप्पड़ पड़ गया। बेचारे इस वक्त कितना बुरा लग रहा होगा। I think तुम्हें भाई के पास जाना चाहिए इस वक्त तनु। नहीं आलिया, इस वक्त अभी को अकेले ही रहना चाहिए। इन अच्छा हुआ उसे थप्पड़ पड़ा, he deserve that slap। वो हमेशा मुझे इग्नोर करता है ना। अब देखो अकेला रहेगा तो उसे मेरी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। Are you mad? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भाई ऐसे devastated state में है और तुम कह रही हो कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगी? He deserves all this। अरे तनु इसी दिन का तो इंतजार था तुम्हें कि कब भाई ऐसे इमोशनल स्टेट में होंगे जहां पर उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, जहां पर तुम जाकर उन्हें ये एहसास दिला सकती हो कि तुम सबसे ज्यादा उनके बारे में सोचती हो, उनकी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और तुम कह रही हो कि तुम उनके पास नहीं जाओगी। तुम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हो? और अगर तुम नहीं गई ना तनु तो भाई गिल्ट में रहेंगे कि प्रज्ञा उनकी वजह से नहीं मिली और फिर वो दिन रात उस बहन जी के बारे में सोचेंगे। और तुम जानते हो अगर भाई उस जोन में चले गए तो फिर वो दादी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए उस बहन जी को किसी भी पहाड़ के नीचे से खोद के निकाल कर लाएंगे। फिर भाई को तुम हमेशा के लिए खो चुकी होगी। You're gonna lose him forever।